चलिए, गुड नून। फर्स्ट ईयर मैथ्स आपके जो है हम लोग पेपर वन और उसकी जो है यूनिट टू कर रहे हैं, और उसमें जो है आपका टॉपिक है समीकरण सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स के लिए जो है एग्जाम्पल्स जो है उसके संदर्भ में जो एग्जाम्पल आते हैं वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके जो है गुणांकों एवं मूलों में संबंध पर आधारित जो है यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैंने कराए थे। यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था कि अगर कोई दो मूलों का गुणनफल जो है वह 6 दिया हुआ, यानी कि कोई भी जो है अगर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अगर 6 दिया हुआ हो तो किस तरह से करते हैं। अब जो है मैं ऐसे और जो है एग्जाम्पल करूंगी तीन अलग अलग प्रकार के, जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछे हुए हैं। बोलते हैं फाइंड द कंडीशन, यानी प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, फाइंड द कंडीशन दैट इक्वेशन एक्स फोर प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस have के मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा संबंध बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा से संबंधित हो। ठीक है, फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन एक्स फोर प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो हैव इट्स मूल इट्स रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर कनेक्टेड और आर रिलेटेड विद द रिलेशन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, कनेक्टेड या रिलेटेड कुछ भी ले सकते हैं। लिख दिया क्वेश्चन, लिख दिया। तो यहाँ पे जो है हमको रूट्स जो है ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा दी हुई समीकरण के मूल है तथा बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा, दिस इज वन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड कंडीशन, जो कंडीशन दी हुई बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फर्स्ट जो है आपका रिलेशन का जो है फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस पी। ठीक है, हो जाएगा माइनस पी। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखनी है, यहाँ पे ध्यान दे कि नेक्स्ट जो है क्या होती है कि अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा और अल्फा बीटा और गामा डेल्टा। ठीक है, वैसे जो है कंडीशन ये होती है जो सेकंड वाली इसके लिए चतुर्थघात समीकरण के लिए यानी कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, लेकिन हमारे पास जो है क्या है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा में, वहां देखेंगे बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा है। तो यहाँ पे जो है मैं क्या कर दूंगी कि इसको चेंज कर देती हूँ, इसको जो है इस तरफ से लेती हूँ कि बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा, और यहाँ पे बीटा गामा और अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे क्यू। ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि चार जो है टर्म्स को एक साथ लेते हैं, उसमें से एक में से अल्फा कॉमन निकालते हैं, एक में से बीटा कॉमन निकालते हैं,
तो यही का यही प्रोसीजर जो है मैं यहाँ पे इस तरह से कर सकती हूँ कि चार टर्म्स को मैं अलग रख दूं और बीटा गामा और अल्फा डेल्टा टर्म को मैं यहाँ पे रहने देती हूँ, इन चारों को अलग ले लूं और चार में से एक में से बीटा और एक में से गामा को कॉमन ले लूं, तो आप जानते हैं कि दोनों में से फैक्टर कौन सा कॉमन निकलेगा, अल्फा प्लस डेल्टा, ये आप लग कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा क्यूब। और नेक्स्ट स्टेप में भी जो है मैं वैसे हम लोग ऐसे लिखते थे, वैसे यूं लिखते थे ठीक है, कि अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा और अल्फा प्लस बीटा। तो अब जो है हमारे पास ये जो टर्म्स होंगे उनमें से जो है क्या करूंगी कि ऐसे टर्म को जो है लूंगी जिसमें मैं बीटा गामा को बाहर निकाल सकूं, तो मुझे अल्फा प्लस डेल्टा मिलेगा, और ऐसे टर्म लूंगी जिसमें अल्फा डेल्टा को कॉमन निकालूं तो बीटा प्लस गामा जो है वो रिमेनिंग रहेगा ठीक है। ये इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस आर ठीक है, ये आ जाएगा माइनस आर। और थर्ड जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे सिंपली एस, पॉजिटिव एस, फर्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। चलिए नंबर दे देते हैं 2, 3 और 4 ठीक है। इक्वेशन वन एंड टू इंप्लाइज क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, माइनस पी ठीक है, इज इक्वल टू है माइनस पी। तो ये हो जाएगा कि बीटा प्लस गामा और यहाँ पे भी जो है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस पी ठीक है। तो ये होगा कि बीटा प्लस गामा 2 इज इक्वल टू माइनस पी, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी बाय 2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ठीक है। क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन वन था उसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया ठीक है, एडजस्ट कर लिया, और अल्फा और डेल्टा की जगह पे मैंने बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट कर दी ठीक है। तो ये 2 बीटा प्लस गामा हो जाएगा, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी बाय 2, तो वही की वही वैल्यू किसकी होगी, यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा की भी होगी ठीक है, अल्फा प्लस डेल्टा की भी होगी ठीक है। अब जो है इक्वेशन नंबर जो है आपकी कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर आपकी यहाँ पे 3 ठीक है, फोर्थ इक्वेशन नंबर 4 जो है वो क्या है, यहाँ पे बीटा गामा पहले मैं लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मिटा दी है, तो ये पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ और उसके बाद जो है हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, माइनस आर। और इक्वेशन वन जो है वो क्या है, इक्वेशन वन है कि बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा ठीक है, इक्वेशन वन ये है। तो इक्वेशन वन एंड फोर इम्प्लाइज बीटा गामा माइनस पी बाय 2 प्लस अल्फा डेल्टा माइनस पी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें वैल्यू जो है बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू मिल गई है माइनस पी बाय 2, तो हम इक्वेशन 4 में वो अप्लाई कर लेते हैं, तो बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से चला जाएगा और ये आ जाएगा 2R अपॉन पी, ये हो जाएगा 2R अपॉन पी ठीक है। इसको नाम हम लोग जो है क्या देते थे, इसको नाम दे देते हैं 5 ठीक है, ये इक्वेशन नंबर जो हो जाएगी 5 6 होगा
मैंने कहा फाइव तो नाम दे दिया है, सिक्स होगा। तो इक्वेशन टू एंड सिक्स, ठीक है, इक्वेशन टू और सिक्स, सिक्स इंप्लाइज क्या है, बीटा गामा अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा गामा अल्फा डेल्टा, क्योंकि मैं पहले सिक्स लिख देती हूँ, पूरी इक्वेशन टू लिख देती हूँ और फिर उसमें जो है सिक्स, सिक्स को जो है अप्लाई कर देती हूँ, सिक्स को भी, और जो है बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू हो उसको भी मैं अप्लाई कर देती हूँ, जो कि है यहाँ पे क्यू। तो इसकी वैल्यू जो है माइनस पी बाय टू, इसकी वैल्यू भी क्या है माइनस पी बाय टू, और ये क्या हो जाएगा टू आर अपॉन पी, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे क्यू। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन फोर और टू आर अपॉन पी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस एट आर, सॉरी पी क्यूब, पी क्यूब प्लस एट आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा फोर पी क्यूब, ठीक है। यहां पे जो है हमारे पास कंडीशन थी बीटा गामा और अल्फा प्लस डेल्टा, उसको हमने पहले अप्लाई किया इक्वेशन नंबर आपकी टू में, इक्वेशन नंबर टू में जब अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू पी बाय माइनस पी बाय टू आ गई। फिर इसको इक्वेशन नंबर फोर में अप्लाई किया तो यहाँ पे जो है बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गई। हमारी इक्वेशन नंबर टू जो है वो ये है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वेशन नंबर टू जो है वो ये है। इसमें जो है बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस पी बाय टू हमारे पास ऑलरेडी है, और ये भी हमने फाइंड कर ली है, तो हम लोग रख लेंगे और कंडीशन जो है हमें मिल जाएगी, इजी है, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कंडीशन दैट प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण ए एक्स फोर प्लस फोर बी एक्स क्यूब प्लस सिक्स सी एक्स स्क्वायर फोर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो है इट्स रूट्स के मूल युग्मों में समान हो, उसके मूल, सॉरी है, एक और पहले ये कर लूं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा संबंध अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा से संबंधित हो, यानी फाइंड द कंडीशन दैट इक्वेशन हैव इट्स रूट रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर कनेक्टेड विद द रिलेशन अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा, ठीक है। अब कंडीशन चेंज थे, पहले बीच में एडिशन था ना, अब मल्टीप्लीकेशन आ गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है हमें ये तो दे ही रखा है कि अल्फा बीटा गामा जो है इसके रूट्स है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तथा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा, देयरफॉर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू जो है क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस
अब इक्वेशन इक्वेशन चेंज कर दो, क्योंकि मैंने क्या कि पहले जो है ये क्वेश्चन कराना था, उससे पहले जो है दूसरा क्वेश्चन पढ़ के लिख दिया था, ये है इक्वेशन चेंज कर दो। x4 सेम होगी, कौन सी इक्वेशन चेंज कर दो, x4 पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एग्जाम में भी यही लिखी है पेपर में, आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो। वो फोर बी वाली जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे, ठीक है। इक्वेशन आप थोड़ी चेंज कर दो, ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली होगी, वो वाली इक्वेशन जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थी। लेकिन उससे पहले मुझे ये करवाना, क्योंकि पहले आल्फ जो है एडिशन का कर रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, फिर जो है अगर रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं तब कैसे करना होता है, ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है माइनस पी आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा, ये आ जाएगा क्यू, अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस आर, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एस। ये है इक्वेशन नंबर वन टू थ्री और फोर। तो सबसे पहले जो है पहले स्टार्ट किया था इक्वेशन वन से, लेकिन अब स्टार्ट करेंगे इक्वेशन नंबर फोर से। इक्वेशन फोर में अगर देखें तो यहाँ पे जो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, गामा इंटू डेल्टा। तो ये अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस। तो ये होगा कि अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एस, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट एस, और ये इक्वल टू क्या होगा, गामा डेल्टा ऑल्सो, ठीक है, गामा डेल्टा ऑल्सो। तो इक्वेशन नंबर थ्री जो है उसका हम लोग यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर थ्री इम्प्लाइज रूट एस गामा प्लस डेल्टा रूट एस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अब इनकी वैल्यू मिल गई ना हमें, इन दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं, और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, माइनस आर। तो ये हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन रूट एस। लेकिन इक्वेशन वन से जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी। तो ये हो जाएगा माइनस पी इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन रूट एस। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एस। तो ये हो जाएगा कि पी स्क्वायर एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। मिल गई कंडीशन, अब आगे करना ही नहीं है, बस हो गया। हमें जो है इसके कोफिशिएंट जो है पी एस आर में जो है रिलेशन जो है वो मिल गया है, ठीक है, भले क्यों ना हो लेकिन एक रिलेशन तो मिल गया है इनके बीच में। और हमने किससे फाइंड किया, वही जो हमें कंडीशन दी हुई थी उसी हिसाब से। अब वो नेक्स्ट वाला करते हैं, वो 2015 में पूछा गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप के जो है क्वेश्चन अब खत्म, और ऐसे जो है एग्जाम्पल वैसे बहुत से दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज में, और सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस के तौर पर कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादा जो है अगर 21 एग्जाम क्वेश्चन 21 तक दिए हुए हैं या 15 इतने दिए हुए, तो आपको नहीं करने। जैसे अगर 15 के 15 जो है क्वेश्चन किताब के आपको सॉल्व नहीं करने हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ सेलेक्टेड करने हैं, या अदर यूनिवर्सिटी के कर लो या पुराने क्वेश्चन जो है वो कर लो। फिर से वही प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण अब लिखूंगी मैं कौन सा, ए एक्स फोर फोर बी एक्स स्क्वायर सिक्स सी एक्स स्क्वायर फोर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो के मूल युग्मों में समान हो, ठीक है। फाइंड द कंडीशन that the equation have its roots equal in pair, ठीक है, युग्मों का मतलब होता है pair, equal in pairs, ठीक है।
माना समीकरण के मूल अल्फा अल्फा बीटा बीटा है. लेट अल्फा अल्फा एंड बीटा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. देयरफॉर अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस फोर बी अपॉन ए. तो टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फोर बी अपॉन ए. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू बी अपॉन ए. ठीक है, माइनस टू बी अपॉन ए. फिर जो है नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ये हो जाएगी. देखिए अब मैं पहले वाली लिखती हूँ, उसके साथ मैं जो है उसको ये जो समान वाली है ना, इक्वल वाली है वो लिखेंगे. वैसे जो हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा और अल्फा बीटा और गामा डेल्टा, ये रिलेशन लिखते हैं वैसे. लेकिन इसमें क्या है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा है. तो कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा इंटू अल्फा बीटा इंटू बीटा. और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6c अपॉन ए, 6c अपॉन ए. ठीक है, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो ये होगा 2 अल्फा 2 बीटा यानी कि 4 अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये 6c अपॉन ए. ठीक है, नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, पहले जो है अल्फा बीटा गामा में लिखूंगी और फिर उसको अल्फा अल्फा बीटा बीटा में लिखूंगी. ठीक है, अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, गामा डेल्टा और अल्फा प्लस बीटा. तो यहां भी जो है पहले वाली मैंने लिख दी जो हम लोग अल्फा बीटा गामा में लिखते थे. ठीक है, लेकिन जो है इसको मुझे किसमें लिखना है, अल्फा अल्फा और बीटा बीटा में लिखना है. तो देखिए अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा, बीटा इंटू बीटा अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू जो है हमारी इस कंडीशन के हिसाब से क्या जाएगा, माइनस फोर डी अपॉन ए. तो ये हो जाएगा कि टू अल्फा स्क्वायर बीटा, टू अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर डी अपॉन ए. टू अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा रहेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे अल्फा रहेगा यहाँ पे बीटा रहेगा, माइनस फोर डी अपॉन ए. ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है आप इक्वेशन वन देखेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी है. ठीक है, तो 2 अल्फा बीटा 2 इंटू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस टू बी अपॉन ए और इज इक्वल टू माइनस फोर डी अपॉन ए. दोनों तरफ से माइनस माइनस भी जाएगा, फोर फोर भी जाएगा और ए ए भी जाएगा. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए. ठीक है, क्लियर है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ऑलरेडी, इसमें से टू अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते माइनस टू बी अपॉन ए और ये क्या है, माइनस फोर डी अपॉन ए. दोनों तरफ से ए कैंसिल हो जाएगा और टू टू इंटू माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर गया. ठीक है, तो ये आ जाएगा डी अपॉन ए. लेकिन अब ये तो आ गया यहाँ पे d अपॉन बी, सॉरी क्योंकि ए तो कैंसिल हो जाएगा d अपॉन बी. चलिए अब यहाँ पे जो है जो हमारी इक्वेशन नंबर टू है उसका हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, इसको आप जो है टू और इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पे थ्री. इन तीनों का को हम लोग कंबाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर वन
टू एंड थ्री को कंबाइन करेंगे. इक्वेशन थ्री जो है, सॉरी इक्वेशन टू जो है हमारी ये है कि फोर अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स सी अपॉन ए. तो मैं क्या करूंगी कि टू अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर, टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स सी अपॉन ए करते हैं. ठीक है, फोर अल्फा बीटा को जो है डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, एक यहां पे लिखते हैं एक यहां पे लिखते हैं. तो ये टू अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स सी अपॉन ए. अब इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री से जो है हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं. ये टू ये हो जाएगा डी अपॉन बी और यहां पे जो है क्या वैल्यू थी, यहाँ पे माइनस टू बी अपॉन ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा सिक्स सी अपॉन ए. तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं. तो चलिए ये हो जाएगा टू डी अपॉन बी फोर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये सिक्स सी अपॉन ए. चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, ए स्क्वायर बी जो है इसका फैक्टर होगा तो टू ए स्क्वायर डी और यहां पे आ जाएगा फोर बी क्यूब इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा सिक्स ए बी सी. ठीक है, तो देखो ए बी सी डी में हमें यहां पे रिलेशन जो है वो मिल जाता है. ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे अलग अलग तरह के जो है अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाए कि इन क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, किसकी मदद से, कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, ये आ गया. तो अब यहाँ पे ये पार्ट तो पूरा हो जाता है. अब इसके बाद जो है हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसमें अलग तरह के जो है और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.